नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान आजकल गहरे संदेश वाले होते हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य विधानसभा में कहा था कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, जो करेगा वो भुगतेगा। अब उन्होंने कहा है कि कोई संत महात्मा और योगी कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। योगी के इस बयान पर संतों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आइए पहले देखते हैं योगी ने क्या कहा है, फिर आपको दिखाएंगे संतों की प्रतिक्रिया। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसकी मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नाही, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को, बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत स्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी यह देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहां के दलितों को, वनवासियों को, यहां के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती हैं, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनारामजी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि देश सबसे श्रेष्ठ है और महान है। यदि देश है तभी हम धर्म, जाति और विभिन्न बातों की परिकल्पना कर सकते हैं। और किसी भी जाति और धर्म की राजनीति करने वाला व्यक्ति दीर्घकालिक नहीं हो सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। वास्तव में राष्ट्र के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के और राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति समर्पित होकर के जिस प्रकार से भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और ये जाति पंथ धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए है और सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है उस पर पूरी तरह से खरा उतर करके उसके लिए वो समर्पित है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।